प्रदेश के परिवहन व समाज कल्याण मंत्री चंदन राम दास ने गरुड़ क्षेत्र के गांव सहित जिले के विभिन्न गांवों का भ्रमण करते हुए जन समस्याएं सुनी तथा उनके निदान का भरोसा दिलाया है। मंत्री का पद ग्रहण करने के उपरांत पहली बार गांव में पहुंचे समाज कल्याण मंत्री का ग्रामीणों व भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। गरुड़ के पहिया गाँव सहित कांडा क्षेत्र के कमेड़ी देवी में ग्रामीणों ने उनका स्वागत किया। क्षेत्र की समस्याओं से युक्त ज्ञापन भी परिवहन मंत्री को सौंपे गए। परिवहन मंत्री ने सभी समस्याओं के निदान का भरोसा दिलाया है। भारतीय जनता पार्टी को जिताया है। मैं बीमार होने के बावजूद आपके बीच में नहीं आया और आपका दूत कमल के रूप में खिलते गया, इसके लिए मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि आभार व्यक्त करने आया हूँ। और जो भी यहाँ पर आपने मांग पत्र दिया है, जो इसमें सभी, मैं सने सने धीरे धीरे इसको पूरा काम करूंगा। आपके मुआवजे का यहाँ अभी मामला कुछ लटका है, उसको भी आज बैठक मैंने बुला रखी है, इसका भी निस्तारण हम तत्काल करने जा रहे हैं। बाकी रोड का यहाँ काम हुआ है, बिजली पानी बहुत से काम पहिया में हम लोगों ने किए हैं, आज जिसके फलस्वरूप हमारे बूथ पे आज मजबूत है और आप लोग सब लोगों की कृपा भी हमारे ऊपर बनी हुई है। उपचुनाव तो कैंसिल होने वाला है, विधायक जी बचने वाले कहाँ हैं जो वोट डाल रहे हो? अरे भैया, मैंने लाटू मंदिर भी बनाया, मैंने बागना भी बनाया, मैंने भूमिया मंदिर भी बनाए, मैंने भूत के मंदिर भी बनाए, मैंने कौन से मंदिर नहीं बनाए होंगे? और मेरे ऊपर जब इतने भगवानों की छाया और नर की भी छाया, नारायण की भी छाया हो, तो वो उसको क्या हो सकता है? तो आज आपके दुआओं से आपके बीच में मंत्री के रूप में खड़ा हूँ। और जो कांग्रेसी तरतर है रची, आजकल पूछो जी कहाँ रही हूँ, काचिन जरा पूछो जी, बोलो पूछो तो, कोई कांग्रेसी आया आज? कोई दिखा भाई ताबू वालों इस बीच? सही बात, सही बोला। कोई नहीं दिखता है। इसलिए अच्छा करो, नेकी में डालो, किसी की बुराई न करो, किसी के बुरे सोचो नहीं, तो स्वयं भगवान भी रक्षा करता है। और मैंने ये प्रण किया है कि जब तक जी और जान दोनों होगी, क्षेत्र के लोगों की रक्षा करूंगा, क्षेत्र के लोगों का विकास में आगे बढ़ के काम करूंगा और लोगों का विश्वास नहीं तोड़ूंगा बल्कि विश्वास बनाए रखूंगा। ऐसे संकल्प के साथ हमने राजनीति की शुरुआत की, जो आज सफलता की सीढ़ी आपके बीच में है। जो कमी बेसी रह गई थी वो भी हमने पूरा करने का काम किया। आपके पुलों का काम, आपके 3.5 किलोमीटर रोड का काम शुरू हो गया है और इसको हम पूरा करके आपको दिखाएंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। आज कमेड़ी देवी क्षेत्र में उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री और बागेश्वर से लगातार चौथी बार विधायक रहे माननीय चंदन राम दास जी का प्रथम बार आगमन हुआ। इस मौके पर समस्त कार्यकर्ताओं ने, यहाँ के ग्रामीण जनता ने और दुकानदार भाइयों ने बड़े गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया, अभिनंदन किया और साथ ही इस क्षेत्र की समस्याओं से उनको अवगत कराया, जिसमें उन्होंने मौके से कई अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए, जिसमें प्रमुखता से 2-3 मामले उनके संज्ञान में आए, जो विगत पिछले वर्ष आपदा में जो जिनकी मृत्यु हुई थी कमशार घाटी के डसीला जी, उनको अभी तक 1 वर्ष की अवधि में उनको मुआवजा न दिया जाना बहुत ही गंभीर बताया, जिसमें उन्होंने मौके पर संबंधित तहसीलदार से भी इस बारे में कड़े निर्देश दिए और जिलाधिकारी से भी बातचीत की। दूसरा मामला उनके संज्ञान में पेयजल का आया, जहाँ पर कमेड़ी देवी की में जो पेयजल में जो अव्यवस्थाएँ देखने को उनको मिली, उन्होंने पेयजल निगम के एक्शन को तुरंत निर्देश दिए कि अतिशीघ्र यहाँ पर जो पेयजल की व्यवस्था उसको ठीक करें और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कमेड़ी देवी में पेयजल मुहैया कराएं। और तीसरा जो प्रमुख जो मामला उनके संज्ञान में आया, शहरी में जो अनुसूचित जाति के जो लोग हैं उनके विस्थापन का जो मामला आया, उन्होंने इस संदर्भ में भी कहा कि भविष्य में मुख्यमंत्री जी से मिलकर इस संदर्भ में जो भी सराहनीय या आवश्यक कदम होंगे उसको उठाया जाएगा और इस क्षेत्र के विकास के लिए कंधे से कंधा मिलाकर इसका विकास किया जाएगा, इस क्षेत्र को आगे बढ़ाया जाएगा। इस सब के लिए हम पुनः माननीय चंदन राम दास जी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करते हैं और अभिनंदन करते हैं। CCN न्यूज़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, बागेश्वर।